हेलो गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है इवनिंग से क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं थी और इसके बाद मुझे नहाना था तो आज मैं पशुओं को चारा थोड़ा जल्दी डालने लग गई तीन बजे का टाइम हो रहा है क्योंकि मेरा काम अभी जस्ट ख़त्म हुआ था और उसके बाद मैंने सोचा कि पहले पशुओं को चारा डाल देती हूँ उसके बाद ही नहा लूँगी क्योंकि मुझे करने थे हेयर वॉश तो मैं सोच रही थी कि फिर पशुओं को चारा वगैरह डालूँगी तो फिर से ऐसे ही बाल हो जाएंगे क्योंकि सर्दियों में बाल काफ़ी देर में सूखते हैं और आज धूप काफ़ी अच्छी थी तो मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ काफ़ी दिन हो गए डे है आज सैटरडे और तो अभी मैं पशुओं को डाल लेती हूँ चारा उसके बाद चाय वगैरह बनाऊंगी और उसके बाद नहाऊंगी अगर पहले नहाऊंगी तो फिर चाय बाद में बनाऊंगी क्योंकि दीदी आती है चार बजे के करीबन तो चार बजे के करीबन ही मैं चाय बनाती हूँ मतलब आती है उस टाइम पर बन जाती है हमारी चाय तो उस टाइम पर हम साथ बैठ पी लेते हैं फिर हमारा काम होता है मैं फिर क्या करती हूँ अपना झाड़ू बर्तन फिर मेरा नाइट का काम होता है खाना वगैरह बनाने का तो बीच में जो भी एक मुझे ज़्यादा नहीं एक घंटा मिलता है कई बार मुझे खेत में भी जाना पड़ जाता है पशुओं को चारा लेके लेकर आने के लिए जो हरा चारा होता है वो मैं ही लेकर आता ती हूँ अभी दीदी के स्कूल बंद होने वाले हैं शायद मंडे या ट्यूजडे से इनके बंद हो जाएंगे तो फिर तो मतलब पशुओं का काम ही अपने आप संभाल लेगी लेकिन अभी मुझे करना पड़ता है तो खेत में भी मैं ही जाती हूँ ये चार बजे आती है तो आकर थोड़ा ही टाइम निकलता है और दूध वगैरह निकालती है इनकी बाट वगैरह बनाती है फिर इनको अंदर बांधना जो हरा हरा चारा होता है मैं खेत से लेकर आती हूँ वो काट कर रखते हैं क्योंकि सुबह डालना होता है तो यही काम होते हैं और रात को मेरे पास काफ़ी सारे काम हो जाते हैं तो अभी आज पूरे दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था मैं दो बजे के करीबन मेरा काम खत्म हुआ था फिर मैंने सोचा मेरा पानी तो गर्म हो गया था फिर सोचा चारे का टाइम भी हो रहा है तो दस पंद्रह मिनट वेट किया मैंने पानी अच्छे से उबल चुका है तो अभी मैंने सोचा ये पहले पशुओं को चारा डाल देती हूँ उसके साथ साथ मैं गोबर भी डाल कर रख देती हूँ इनके ये जो गोबर होता है इनके गोसे बनाए जाते हैं उपले बनाए जाते हैं तो ये छत के ऊपर ही डाल के आना पड़ता है तो ये डालकर दीदी आएगी तब ये बना के आएगी उपले कभी कभार बना देती हूँ मैंने दो तीन भारी बनाए थे ज़्यादा नहीं होती क्योंकि मेरा टाइम नहीं मिलता मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रही हूँ अपने वीडियो एडिटिंग करने के लिए भी मुझे बस शाम के टाइम एक घंटा मिलता है चार बजे से पाँच बजे उसके बाद मैं खेत में जाती हूँ वो भी मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ अदरवाइज़ रात को भी मेरे नौ बजे तक काम ख़त्म होता है मतलब तो सारा काम करने के बाद फिर बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ और फिर छोटी बेटी है तो वो सोती है तो नौ साढ़े नौ बजे तो आराम से बच जाते हैं उसके बाद आप लोगों के कमेंट इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह के कमेंट वगैरह पढ़ने लग जाती हूँ बस दस बजे सो जाती हूँ और सुबह थोड़ा लेट ही उठती हूँ साढ़े छः सात बजे तो सुबह मेरा आठ बजे जो काम होता है वो स्टार्ट होता है लेकिन रात को काम लेट तक चलता है जिसकी वजह से मुझे एडिटिंग वगैरह करने का टाइम नहीं मिलता एक्चुअली मैं मिल भी जाता है कुछ लोग रात को ही एडिटिंग करते हैं बट मैं मेरी बेटी को छोड़कर दूसरे रूम में जा नहीं सकती है बिल्कुल मेरी चिपकी से होती है और फिर रात को मैं बिल्कुल भी एडिटिंग वगैरह कर नहीं सकती और सुबह मेरे को टाइम नहीं मिलता तो बीच का शाम का आधा घंटा एक घंटा ही मुझे मिल पाता है तो बाहर का काम मैं कर कर आ गई थी उसके बाद मैंने चाय रख दी थी और मैं यहाँ पर दो तीन रोटियाँ बना रही हूँ क्योंकि आज मतलब रोटियाँ ख़त्म हो गई थी तो बच्चे वगैरह खाएंगे तो मैंने सोचा चलो आटा तो रखा हुआ था गरम गरम बना देती हूँ वैसे कभी कभार ही खाते हैं लेकिन थोड़ी सी भूख मुझे भी लगी हुई थी आज सुबह जल्दी खाना हो गया था तो बस दो चार रोटियाँ बनाऊँगी ज़्यादा नहीं बनाऊँगी और मेरी चाय तब तक दीदी वगैरह आ जाएंगी तो अभी फटाफट से चाय बनाती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ हेलो गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब और अभी अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ बेटी अभी भी नहीं उठी है पशुओं को चारा वगैरह डालने के बाद मैं नहा ली हूँ और मैंने हेयर वॉश किए हैं आज क्योंकि वैसे तो आज सैटरडे था लेकिन कल अमावस्या है और हमारे अमावस्या पर हेयर वॉश नहीं करते तो फिर काफ़ी दिन हो जाते तो आज मैंने कर लिया है और मेरी बेटी अभी सो रही है आप देख सकते हैं तो चलते हैं फटाफट से इनको सुखाती हूँ उसके बाद काफ़ी देर में सूखेंगे क्योंकि वैसे ही इवनिंग तो हो चुकी है चार बजने वाले है, अभी आई हैं अभी मैं अभी बाल वगैरह कर लिए हैं अभी जाऊंगी खेत में और आप कर रहे हैं क्या करेंगे झाड़ू वगैरह तो निकाले नहीं है बच्चे वगैरह स्कूल से आ गए थे और टाइम हो रहा है साढ़े चार बजे का सबसे पहले मैं खेत में से चारा लेकर आऊंगी उसके बाद बर्तन साफ़ करूंगी जो बच्चों के टिफिन वगैरह थे फिर खाना वगैरह की तैयारी होगी आज देखती हूँ गाजर मंगवा रखी है तो गाजर का हलवा बनाने का मन कर रहा था और बच्चे भी कह रहे थे तो देखती हूँ अभी टाइम मिलता है तो वो करूँगी तो सर्दी है दो दो पहन लिए मैंने नीचे से हाई नेक पहन लिया और ऊपर से कोट पहन लिया काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है और हेयर वॉश किए हैं तो और भी ज़्यादा लगेगी तो अब नहीं लगेगी बिल्कुल भी तो मैं खेत में जाती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे तो गाइज खेत में से आने के बाद मेरे को साढ़े पाँच बजे का टाइम हो गया था वहाँ से आई और आने के बाद थोड़ी देर बेटी को देखा और अभी जो टाइम हो रहा है वो छः बजे का हो रहा है तो आज मैं बनाने जा रही हूँ साग खाटे का साग जो होता है या हरा साग होता है हरा साग बनवाने की मन में थी लेकिन क्या हुआ कि जो चने का साग था वो दीदी ने फेंक दिया कल मंगवाया था पापा जी के से चने का साग मेथी पालक वगैरह जो भी चीज़ें राई वग़ैरह डलती हैं अरे साग में वो मंगवाई थी मैंने स्पेशली साग और बाजरे की रोटी बनवाने के लिए लेकिन कल ए, परसों मनवाया नहीं परसों मामा जी लोग आ गए थे तो हमने पनीर बना लिया था और आज फिर से मैंने पालक मंगवाया है मेथी मंगवाई है और बथवा लेकर आए हैं पापा लेकिन साग नहीं लेकर आए तो मैंने सोचा चलो खाटे का साग बना लेती हूँ मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पर पालक वगैरह को काट रही हूँ पहले अच्छे से मैंने धो लिया था क्योंकि बाहर का जो पालक आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह आती है वैसे तो धुला हुआ आता है फिर भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी या किाट सा होता है तो इसको दो तीन बार धोना पड़ता है एक बार मैंने मतलब काटने से पहले धो लिया और दो बार में धोऊंगी जब काट लूंगी तब तो बारीक बारीक पालक काट लेते हैं उसके बाद कुकर में इसको उबाल लेंगे तो और आज मैं आपको बनाऊंगी दिखाऊंगी कि मैं बाजरे की रोटी पहली बार बनाने वाली हूँ मैं चूल्हे के ऊपर बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा था और फिर सभी की गेहूँ की बनानी है मैं अपने लिए बाजरे की बनावाऊँगी और मैंने पापा जी से कहा था वो क्या है मक्के का जो आटा होता है मक्के का आटा कभी नहीं खाया है हमने यहाँ पर मक्के के आटे की रोटी शादी फंक्शन में ही खाई है वैसे नहीं बनाई है अपने यहाँ पर तो मैं सोच रही थी मंगवाऊँगी और फिर बनाऊँगी चूल्हे के ऊपर बनाकर दिखाऊँगी आपको और मैंने बाजरे की रोटी भी आज से पहले कभी नहीं बनाई थी हमारे मायके में एक बार दो बार मैंने वैसे कोशिश कर लेती थी यहाँ पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया था और आज मैंने पहली बार ट्राई किया है आपको दिखाऊंगी कि कैसी बनी और चूल्हे पर बनाने की कोशिश कर रही थी और चूल्हे पर भी मैं आपको दिखाऊंगी वैसे हमारे चूल्हा है तो सही लेकिन ईंधन की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर चूल्हा नहीं जलाते कर मतलब गैस पर ही हम कभी नहीं बनाते चूल्हे पर खाना गैस पर ही बनाते हैं ईंधन नहीं है लकड़ियाँ होती हैं वो भी मोल के लेकर आते हैं बाहर से खरीद कर तो उनसे बस पानी वगैरह ही गर्म करते हैं वो वैसे चूल्हा नहीं जलाते खाना वगैरह बनाने के लिए तो चलते हैं ये मेरा कट चुका है और फटाफट से खाने की तैयारी कर लेते हैं आयो, आप दूध नहीं पिलाते बेबी को देवी देवी। वो गिरा दिया बेबी तो गाय जो किचन में है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अंधेरा है और मैं लाइट चेंज करवाने की कई बार कह चुकी हूँ लेकिन कोई चेंज नहीं करता और मेरे मतलब आते नहीं है हाथ में जो पाई लगानी पड़ती है तिपाई जो होती है वो लगानी पड़ती है जब जाके आएगी तो कभी कोशिश मैं खुद ही करूँगी क्योंकि वैसे तो होने वाली नहीं है और यहाँ पर मेरी सब्जी बन चुकी थी साइड में मैंने दूध रख दिया था क्योंकि आज भैंस ने लूट दूध था वो जो लेट दिया था तो मैं अभी गर्म कर रही हूँ और मेरी रोटियाँ भी आधी के करीबन बन चुकी है तो अभी फटाफट से रोटियाँ बनाती हूँ उसके बाद मैं बाजरे की रोटी बनाऊँगी सब के लिए मैं गेहूँ की रोटियाँ बना रही हूँ यहाँ पर और बस तो ऐसे ही हमारा होता है रूटीन और मेरी बेटी अंदर खेल रही है उसको काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है बुखार हो रहा है उसको तो इसी की वजह से मैं उसको यही चाहती हूँ कि वो अंदर बैठी रही तो उसको एक टैडी वैसे उसके इस पार्ट टैडी बियर तो काफ़ी है लेकिन उसको गुड़िया का शौक़ है उसकी मैंने दो तीन बार गुड़िया लेकर आ गई लेकिन जब वो छोटी थी तो उन चीज़ों को तोड़ देती थी और अभी पूरे दिन कहते हैं कि मेरा बेबी लेकर आओ बेबी लेकर आओ तो मतलब बहन की बेटी ने एक मतलब चोल या पता नहीं चुन्नी से ही उसका बना रखा है तो उसी को ही वो टोपा उड़ा रखा है उसी को वैसे बेबी बनाकर ही खेल रही है तो यहाँ पर मेरी गेहूं की रोटी सारी बन चुकी थी बच्चों ने तो खा भी ली थी बस साथ साथ ही गरम गरम खा रहे थे दीदी कह रही थी बनाने के लिए लेकिन मैंने कहा नहीं मैं खुद बनाऊंगी अपनी दो रोटी आज बनाने की कोशिश करूंगी वो सब की बनाने की सोच रही थी तो मैंने बस थोड़ा सा आटा ले लिया और ये आटा था ना घर पिसा हुआ था तो थोड़ा मोटा मोटा पिसा हुआ है बिल्कुल बारिक नहीं है बारिक होता है वो आराम से बन जाती है तो ये ज़्यादा मोटा था जिसकी वजह से बार बार में टूट रही थी अच्छे से नहीं बन पा रही थी फिर भी मैंने कोशिश की तो मैंने बस दो रोटियों का ही आटा लिया है यहाँ पर और इसको पानी डालकर भिगो लिया है गर्म पानी से ही बनाते हैं बाजरे की रोटी अदरवाइज ये जुड़ती नहीं है अच्छे से इसको जितना ज़्यादा पिटोगे मतलब लोच लगाओगे उतनी ही मतलब रोटियाँ बनेगी अदरवाइज़ ये टूट जाता है मोटा होता है तो जुड़ने में दिक्कत आती है बारीक हो तो आराम से बन जाए लेकिन मोटा पीस रखा है जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी तो मैं कई बार इस तरह से करती रही उसको और फिर हाथ से बनानी होती है तो ज़्यादा बड़े आकार की तो नहीं बनी तो मीडियम आकार की मैंने बनाई और दो रोटी वैसे अच्छी बनी थी तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं हाथ से इसे भड़ाने की कोशिश कर रही हूँ तो एक बार तो बीच में से टूट गई थी लेकिन मैंने भी पूरी हार नहीं बानी आज तो बनानी थी तो बनानी थी मैंने सोच लिया था और आखिरकार देख सकते हैं तब के ऊपर मैंने डाल दिया बस थोड़ी सी साइड से वो हो रही थी लेकिन पहली कोशिश में काफ़ी अच्छी बन गई थी और अभी मैं दूसरी रोटी भी बनाऊँगी और फिर साग के साथ इतनी अच्छी लगती है वैसे पर लेकिन मैंने दो ही बनाई थी रात के समय मतलब बाजरे की रोटी दो काफ़ी ज़्यादा होती है कम नहीं होती लेकिन बाजरा जो होता है वो मोटे अनाज में आता है गेहूँ की रोटी से अच्छा होता है बाजरे की रोटी मक्के की रोटी और चने की रोटियाँ तो कभी कभार ये खा लेनी चाहिए अच्छी भी लगती है वैसे चटनी वगैरह के साथ साग वगैरह के साथ बाजरे और मक्के की रोटियाँ तो यहाँ पर मेरी एक रोटी सीख चुकी थी और मैंने दूसरी को भी अच्छे से देख सकती हैं कर लिया था हाथ से ही बनाते हैं और किनारियाँ होती हैं उनको मोटा नहीं छोड़ना है और बीच का भाग भी मोटा नहीं छोड़ना है तो आप बस फिर रोटी अच्छे से सीखेंगे अदरवाइज़ रोटी जो होती है वो बीच से कच्ची रह जाती हैं तो मेरी एक रोटी अच्छे से सीख चुकी थी और दूसरी भाई टेढ़ी मेढी कैसी भी बनी लेकिन बिल्कुल सही बनी थी और खाने में क्या होता है कि रोटी पकनी चाहिए अच्छी से अंदर से पकनी चाहिए तो बस ये रोटी बन चुकी है और तो हम इनको खा लेते हैं आप मेरी पहली बार में ये रोटियाँ कैसी लगी जरूर बताइएगा अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे को बार बार मैं आज बड़ा बोर है जब मैं खुद वीडियो देख रही हूँ तो कितना धुंधला दिखाई दे रहा है रियली में लाइट बहुत ज़्यादा छोटी है पाँच वाट की लाइट है यहाँ पर मुझे लगानी पड़ेगी क्योंकि किचन में काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनती है मेरी और जो कि आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती होंगी बिल्कुल काला काला सा दिखाई दे रहा है जो मेरे को ही अच्छा नहीं लग रहा तो आपको कैसा अच्छा लगेगा तो इसके लिए सॉरी पर आगे से ध्यान रखूंगी अगर वीडियो बनाऊँगी तो मैं ज़रूर लाइट का प्रॉब्लम सोल्व करूँगी करूँगी वैसे मेरे पास भाई रिंग लाइट वगैरह तो है नहीं तो अपनी एलईडी लाइट से ही काम चलाऊंगी वो भी बेटर देती है लाइट कुछ लोग रिंग लाइट वगैरह का यूज करते हैं जो पूरा फेस पर ही फोकस रखते हैं आपने देखे होंगे लेकिन वो हमारे पास नहीं है तो बस ये रोटियां बन चुकी है अभी खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे हेलो तो गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और अभी टाइम हो गया है साढ़े छः पौने सात का तो मैं भी बर्तन वोस करके लेके आई हूँ सुबह सुबह बर्तन आज है एमावस से तो वो निकालनी है तो अभी गर्म पानी ले आई हूँ तो किचन को क्लीन कर देती हूँ दूध वगैरह भी लो लिया है देख सकते हैं दूध निकाल के लेके आई और ये गाजर रात को नहीं बनाया था हलवा अभी बनाएंगे गाजर छील कर रख दी है इनको ग्रैंड करना है बस अभी फटाफट से पोछा लगाती हूँ फिर नहाँगी और नहाने के बाद पूजा वगैरह करूँगी जो अमावस की होती है सब करते हैं पितृ देवताओं की तो तो यहाँ पर मैं किचन को क्लीन करने के लिए गर्म पानी ही लेकर आ गई थी क्योंकि सुबह सुबह ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और ताज़े पानी में भी हाथ देने का मन नहीं कर रहा था ताज़ा तो आया नहीं था लेकिन जो टैंक के अंदर होता है वो भी थोड़ा सा ठट्टा ही होता है लेकिन मैं चूल्हे के ऊपर बिल्कुल गर्म पानी रखा हुआ था वो लेकर आ गई वैसे तो मैंने रात रात के समय भी किचन को पूरा क्लीन ही कर दिया था लेकिन इस टाइम क्या होता है जब अमावस निकालते हैं तो किचन या जो भी बर्तन वगैरह यूज़ होते हैं उनको बिल्कुल साफ़ सफ़ाई के साथ मतलब यूज करते हैं तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है आपके कैसे होता है पता नहीं आप भी ज़रूर बताइएगा और बस जो ये मैंने भगोना रखा है गैस के ऊपर इसके अंदर खीर बनाऊंगी तो सबसे पहले मैं नहा कर आऊँगी उसके बाद खीर वगैरह बनाऊंगी तो आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं नेक्स्ट व्लॉग को स्टार्ट करूँगी और बने रहना आप वीडियो में और नेक्स्ट व्लॉग को भी ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर दे देना तो आज की वीडियो में इतना ही है तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक यू